हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सिंपलीफाइड बाय सारिका। तो हम देख रहे हैं एडॉप्शन की सीरीज। पिछले पार्ट में हमने देखा है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या होती है। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग उसके आगे की स्टेप क्या होती है वो देखने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करना चाहूंगी, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग मुझे जितने भी मेल आए थे मैंने उन सभी का रिप्लाई दिया है। इन केस ऐसा अगर हुआ है कि किसी का छूट गया तो प्लीज मुझे वापस एक बार मेल कर दीजिए। ओके, तो क्या करना है, अभी स्टार्टिंग में गूगल पे जाके कारा डालेंगे, CARA कारा। सेम प्रोसेस से होम पेज पे आ गए हम लोग। तो आपने अगर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर ली है तो आपको कारा की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आया होगा जिस पे आपको क्लियरली मेंशन होगा आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो वो डाल के आप पैप लॉगिन कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेम रेसिडेंट इंडियन पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सामने आ गया पेरेंट्स साइन इन। तो यहाँ पर डालेंगे यूज़र आईडी, यहाँ पर पासवर्ड, कैप्चा और लॉगिन कर देंगे। वंस यू लॉगिन यू विल सी ऑल द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और उनके सामने होगी PDF फॉर्मेट की साइज़ क्या होनी चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स की। ओके, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करा है तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहीं पे साइड में दिया है थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, उस पर क्लिक करने के बाद आप ये पहले डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हैव अ लुक एट पॉइंट नंबर 8 and 10। This is not, these points are not applicable for all parents. आपको only up to 0.7 and 9 number point का application आपको attach करना है। Okay? तो वो उसकी PDF size क्या होगी, कुछ documents का यहाँ पर already mention है वो दिखाती हूँ कहाँ पर है। तो यहीं पर side में जो है वहाँ पर जाएंगे resident Indian parents में, इसमें जाएंगे already registered parents, और फिर सेकेंड नंबर पॉइंट इंस्ट्रक्शन फॉर न्यूली रजिस्टर्ड पेरेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के फाइल की साइज़ क्या होनी चाहिए वो क्लियरली मेंशन्ड है। और इन केस इफ़ यू मिसप्लेस योर ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट लेटर देन आपको क्या करना है वो भी यहाँ पे लिखा दिया हुआ है। आप प्लीज़ ये एक बार रीड कर लो। अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं उनकी PDF फॉर्मेट साइज़ क्या होनी चाहिए वो आपको क्लियरली इलाबोरेट करके बताती हूँ। ओके, तो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है फोटो। तो फोटो कौन सी होगी, कपल की फोटो पासपोर्ट साइज में होगी और उसकी फाइल की साइज होगी less than 1 MB। सेकेंड डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, और पैन कार्ड की साइज होगी less than 512 KB। ओके, तो पैन कार्ड दोनों के लगेंगे, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी। इसके आगे के जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बोलती जाऊंगी वो आप दोनों के अलग अलग से सबमिट करने, आपको मैं हर इसमें मेंशन नहीं करूंगी। पैन कार्ड के बाद क्या है, प्रूफ ऑफ बर्थ। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बेहतर है, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे आपका बर्थ डेट मेंशन हो। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल बर्थ प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स आप क्या दे सकते हो, लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हो स्कूल का, उस पर मेंशन होती है डेट, या तो फिर SSC बोर्ड सर्टिफिकेट होता है उस पर भी होती है। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट याद आ रहा है जिस पे मेंशन है बर्थ डेट वो आप सबमिट करा दो दोनों का भी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में वही एड्रेस जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के वक्त फिल किया था वही एड्रेस आपके जिस डॉक्यूमेंट पे मेंशन होगा वो डॉक्यूमेंट आपको देना है PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। PDF फॉर्मेट की साइज होगी less than 512 KB। फॉर एग्जांपल आपको बोल देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो, आधार कार्ड कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड, या फिर इसके अलावा पासपोर्ट वगैरह जिसपे आपका एड्रेस मेंशन होगा वही कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है दोनों का भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रूफ ऑफ इनकम। इसमें आप सैलरी स्लिप भी दे सकते हो या तो ITR भी दे सकते हो, दोनों का। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल रिपोर्ट्स। तो इसमें क्या करना है, आपको आपने जो HSR के लिए जो एजेंसी फाइनलाइज्ड की है, पार्ट वन में मैंने आपको डिटेल में बताया है उसकी प्रोसेस क्या होती है, ओके। तो उस एजेंसी को आपको कॉल करके पूछना है कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट हमको कराने हैं, टेस्ट के जो रिपोर्ट्स है वो आपको अटैच कराने हैं। उसके साथ साथ आपको MD डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेना है, दोनों का भी अलग अलग से, ओके। तो इसकी साइज क्या होगी, लेस देन 512 KB, ओके। नेक्स्ट है मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट की साइज क्या होगी, लेस देन 1 MB। इनकेस आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है वो फॉलो कर दीजिए, मैरिज सर्टिफिकेट तो लगेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 reference letters आपको लेने हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से इन सपोर्ट ऑफ एडॉप्शन। और लास्ट जो पॉइंट है, चाइल्ड कंसर्न वो सभी के लिए नहीं है, जिनका अपना खुद का बच्चा है या तो अडॉप्टेड किड है, जिनका है उन्हीं के लिए ये पॉइंट। तो उनको क्या करना है, अगर उनका बेबी 5 ईयर या मोर देन 5 ईयर का है तो उस चाइल्ड का कंसर्न लेटर आपको लेना है, ओके। इजी है ये। इनकेस किसी के कोई भी डाउट्स होंगे तो मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हो, लेकिन रिगार्डिंग एडॉप्शन प्रोसेस के ही क्वेश्चंस करना प्लीज, रादर देन दैट क्वेश्चन के आंसर अभी नहीं कर पाऊंगी मैं, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, बाय।